अगर आप लोग किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो और चाहते हो कि जिसका आपने व्हाट्सएप स्टेटस देखा है उसे पता भी ना चले कि मैंने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा वो सेटिंग है जिसके करने के बाद हम लोग अगर किसी का स्टेटस भी देखते हैं तो उसे शो नहीं करेगा कि ये इंसान मेरा स्टेटस देखा है। जैसा कि अगर हम लोगों को किसी का अगर कोई मैसेज करता है तो हम लोग अपना रीड रिसिप्ट बंद कर देते हैं तो उसे पता नहीं चलता है कि मैंने उसका मैसेज देखा या नहीं देखा है। तो उसी तरह अगर हम लोग किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं और सामने वाले को पता ना चले कि सामने वाला व्हाट्सएप स्टेटस देखा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं उन सारे प्रोसेस को बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग वो सेटिंग कर सकते हो और करने के बाद आप लोग किसी का भी स्टेटस देखोगे उसे पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे मान लो कि ये मेरा स्टेटस है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सामने वाला जो भी है, अगर कोई मैं यहाँ पे स्टेटस डालता हूँ और फिर मैं दूसरे फ़ोन से व्हाट्सएप को ऑन करके दिखाऊंगा और उसका स्टेटस देखूंगा जिससे आप लोगों को वहाँ पे शो होगा कि मैंने उसका स्टेटस नहीं देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला स्टेटस है वो मैंने नहीं देखा है उस नंबर से, तो मैं आपको अब उस नंबर से व्हाट्सएप ओपन करूँगा और फिर व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसके को देखूँगा भी, और यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा कि वो स्टेटस देखा गया है या फिर नहीं देखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस जो जो यहाँ पे है उसे मैं यहाँ पे आपको सेटिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है और अकाउंट में जाने के बाद आपको प्राइवेसी ओपन करना है। प्राइवेसी ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो रीड रिसिप्ट होता है इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपको वापस बैक आ जाना है। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूं स्टेटस। यहां पे नीरज कुमार मिश्रा जो करके स्टेटस है, यहां पे जो लास्ट वाला स्टेटस है वो मैं यहां पे शो कर रहा हूं। बाकी ये जो मैंने पहले देख चुका हुआ तो जो लास्ट वाला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये शो कर रहा है। इसके बाद मैं फिर आपको वहाँ पे ले चल के दिखाता हूँ जो व्हाट्सअप है आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला स्टेटस है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अभी कोई भी स्टेटस नहीं देखा गया है। तो ऐसे ही अगर आप लोग जाके वहाँ पे रीड रिसिप्ट को अगर ऑन कर दोगे तो फिर यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सेटिंग में जाके फिर आपको अकाउंट और प्राइवेसी में जाके यहाँ पे रीड रिसिप्ट को इनेबल कर दोगे, उसके बाद जब आप लोग स्टेटस देखते हो तो फिर वो वहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा गया अभी स्टेटस, तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे ले चल के जहाँ पे अब शो करेगा कि स्टेटस को देखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि अभी यहाँ पे जियो लिख के जो है जस्ट नाउ यानी कि अभी तुरंत इसे देखा गया है तो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। तो वैसे ही अगर आप लोग रीड रिसिप्ट को बंद कर देते हो तो फिर वहाँ पे आप लोग किसी का भी स्टेटस देखोगे तो वहाँ पे उसे शो नहीं करेगा कि मेरा स्टेटस इसने देखा हुआ है या फिर किसी ने देखा है। तो आप लोग सिंपली रीड रिसिप्ट बंद कर दो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आप लोग किसी का स्टेटस भी देखो और उसे पता भी ना चले तो। तो ये बहुत बढ़िया सेटिंग है जिसके करने के बाद आप लोग किसी का भी स्टेटस देखोगे उसे पता भी नहीं चलेगा।